आप देख रहे हैं SPNI न्यूज, मैं राशिद अली। जहां एक ओर 2019 के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर कितने बम फोड़ेगी ये कह पाना मुश्किल है। जहां एक ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर समय समय पर निशाना साधते रहते हैं, तो वहीं अब एक और खबर आई है जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की नीयत अच्छी होती तो महिला आरक्षण बिल आ गया होता। लेकिन महिलाओं का मुद्दा आजकल कितना उठ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है, ये देश की सभी महिला जानती हैं कि महिलाओं की स्थिति देश में कितनी नाजुक हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। भले ही सरकार ने जो कि बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में कानून बनाया है, लेकिन क्या ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी है? सवाल ये भी है। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी अभियान के लिए फंड नहीं है। आप देख सकते हैं खबर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि उनका नारा है, बेटी बचाओ अभियान के लिए फंड नहीं और प्रचार पर 4600 करोड़ खर्च कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर कहा क्या है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री महिला अधिकारों को लेकर गंभीर हैं तो महिला आरक्षण विधेयक लाएं, जिसका कांग्रेस पार्टी संसद के दोनों सदनों में समर्थन करेगी। सुष्मिता देव ने यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार में दबाव के कारण बीजेपी की महिला नेता महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय नहीं रख पा रही हैं, जबकि यूपीए सरकार के समय ये लोग काफी मुखर थे। जी हाँ, जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी ये किस तरह से बोलती थी, कांग्रेस पर निशाना साधती थी जब महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती थी। और अब जब महिलाओं के साथ इतनी क्रूरता तरीके से दुष्कर्म और हत्याएं कर दी जाती हैं, तो अब ये चुप्पी क्यों साध लेती हैं, अब ये खुलकर क्यों नहीं बोलती, क्यों सरकारों के खिलाफ नहीं बोलती? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपको उनके ऐसे, मैं आपको नाम बता सकता हूं, जबकि ऐसी महिलाएं जो कि इतना बोलती थी वो अब पता नहीं कहां गायब हो गई हैं। क्या बात उनकी सरकारों पर आ गई है इसलिए वो गायब हो गई हैं। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के डर से निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी जैसी बीजेपी की महिला नेता महिला अपराध के मामले पर आज चुप हैं। क्यों चुप हैं, इनसे सवाल किया जाए, जबकि निर्भया मामले के समय ये लोग काफी मुखर थे और ये लोग कितना बोल रहे थे ये आपने भी देखा होगा। सुष्मिता ने यह भी कहा, आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में फंड के अभाव के चलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना मजाक बन गई है और यह सरकार अपने प्रचार पर 4600 करोड़ रुपए खर्च करती है। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी स्टार प्रचारक हैं, ये तो कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अगर आई है 2014 की जो मोदी लहर दिखी है उसमें प्रचार का सबसे बड़ा हाथ रहा है और प्रचार पर हजारों करोड़ खर्च किए गए हैं। सुष्मिता ने यह भी आरोप लगाया कि 2014 में मोदी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और महिलाओं को लगा कि इनके आने से हालत सुधरेगी, लेकिन महिलाएं खुद बताएं 2018 चल रहा है, क्या उनकी हालत सुधरी है? लेकिन पिछले 4 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं कि महिलाओं को कितनी असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, भले ही वो चाहे कांग्रेस की, ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार में हो, कांग्रेस की सरकार में भी महिलाएं सुरक्षित थी, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घटती थी, लेकिन महिलाएं आस लगाएं तो किससे लगाएं? 2014 में महिलाओं को लगा कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से उनकी आज़ादी आएगी, महिलाओं के खिलाफ कानून बनेंगे, जो उनके खिलाफ अपराध करते हैं उनके खिलाफ कड़े कानून बनेंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? जिस चीज़ के लिए आपने वोट दिया, क्या ऐसा हुआ? सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, क्या अभी तक कोई फैसला लिया गया? जहां और महिला अध्यक्ष निशाना साध रही है, तो वहीं देखें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी क्या निशाना साध रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट में। आज मैं शुरुआत मोदी जी के एक कोट से करना चाहता हूं। मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, कर्मयोगी बाय नरेंद्र मोदी, और उनकी स्पीचेस जो उन्होंने गुजरात के ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, उन भाषणों में से मैंने कोट निकाला है, मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां संविधान की बात हो रही है, अंबेडकर जी की बात हो रही है, और इस कोट से हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा
उनकी थिंकिंग, उनकी सोच बहुत सफाई से दिखाई देती है। पहले मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। What is the spirituality of a person working on cleaning toilets? Has anyone experienced spirituality of a man of Valmiki Samaj who has to remove human excretion and dirt every day? I do not believe that he accepted the task merely to fill his belly. He would not have stayed for so long in that profession, and certainly not from generation to generation. Probably sometime for happiness of God and society, he would have thought it his responsibility to keep the environment clean, and he accepted the work and continues to do the work for generations out of his spirituality. It is not that his ancestors were unable to shift or do any other work. अब मैं हिंदी में बताता हूं। जो टॉयलेट्स को साफ करता है, जो गंद उठाता है, उसकी क्या स्पिरिचुअलिटी होती है? किसी ने स्पिरिचुअलिटी महसूस की है जो वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति टॉयलेट साफ करते हुए महसूस करता है? नहीं, सुनिए सुनिए, वो काम जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करता है, वो अपने पेट को भरने के लिए नहीं करता है। वो इस काम को सालों भर नहीं करता अगर वो सिर्फ ये काम अपने पेट को भरने के लिए करता। कहीं ना कहीं वो ये काम करना छोड़ देता, मगर वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करता है। उसके जो माता पिता थे वो आसानी से इस काम को छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इस काम से स्पिरिचुअलिटी मिलती है। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति टॉयलेट को साफ करता है, वो पेट भरने के लिए नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका कोट है, मेरा नहीं। अब देख, नहीं ऐसे मत बोलिए, क्योंकि हम, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं कहते, मगर जो उनकी विचारधारा है, नहीं भैया ऐसे मत बोलिए, जो उनकी विचारधारा है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के हर दलित को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समझनी है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, वो ये काम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है, पेट भरने के लिए नहीं करता है। ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है। मेरे पास एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं मोदी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। सवाल क्या था? मोदी जी ने इस व्यक्ति से पूछा, देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है,
हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? जहां भी मैं जाता हूं मैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला लगाता हूं। हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? मोदी जी, हिंदुस्तान के दलित आपसे गुस्सा इसलिए है क्योंकि यह आपकी विचारधारा है। आप जितनी बार भी अंबेडकर जी के सामने फूल लगाओ, जितनी बार भी इनके मूर्ति पे माला लगाओ, इस विचारधारा के साथ उनकी आप इज्जत कभी नहीं कर सकते हो। और हर दलित, हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है, जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है वो समझता है कि इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह भी राहुल गांधी जो कि समाज में चल रहे मुद्दों को लेकर वो उन पर निशाना साध रहे हैं। जाहिर सी बात है, समुदाय को आजकल कैसे बांटा जा रहा है, कैसे विभाजन की नीति अपनाई जा रही है, एक तरफ सबका साथ सबका विकास कहा जाता है तो दूसरी तरफ लोगों को बांटा जाता है, ये है बीजेपी की नीति। महिलाओं के वादे को लेकर सरकार में आती है और 4 साल बीत जाने के बाद भी महिलाओं पर अभी भी उन्हें असुरक्षित महसूस होता है, महिलाओं को अभी भी सुरक्षा नहीं महसूस होती। क्या ये है मोदी सरकार? अगली बार अब जब वोट दीजिएगा तो ये सोच के दीजिएगा कि आखिर जो पार्टी वादे करती है उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।